नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लाई हूँ कुछ मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है मटन पाए। तो मेरे साथ है आमरीन खान, कैमरामैन। तो आज हम अपनी सहेली के यहाँ आए हैं जो बनाएंगी आंटी मटन पाए। तो आइए हम उनसे जानते हैं कैसी है ये रेसिपी। पूरी खबर ज़रूर देखें तभी आपको पता चलेगा कि मटन पाए कैसे बनाए जाते हैं। आइए चलते हैं सीधे किचन की तरफ। हम पहुंच चुके हैं किचन में, हमारे साथ आंटी हैं, हम इनसे जानेंगे। तो क्या बना रही हो आंटी आज? मटन पाए। हाँ, कैसे बनाते हैं ये? जी मटन कट के आ गया है, इतने इतने पीस, 1.5 किलो है, दो इतनी बड़ी बड़ी गाठी लहसुन की और 3-4 अदरक की गाठी और इस साइज की 4-5 प्याज की गाठी, इसको हमने काट के रख लिया। इसको आधा पीसेंगे और आधा तलेंगे कच्चा। इसमें पिसा गरम मसाला मिला लेंगे जो पीस के रखा, और जब इसको तलेंगे तो इसमें 2 नकड़ दालचीनी और 2 जायपत्ती और 2 तेज़पत्ता, 3 इलायची छोटी और 4-5 लौंग, 1 फूल और 4-5 काली मिर्च और 2 बड़ी लौंग। ठीक है, तो अब हम जानेंगे। अभी बताया आंटी ने कि अगर हमें मटन पाए बनाना है तो उसको पहले गरम पानी में हल्दी डालेंगे और उसके बाद धोएंगे जिससे उसका कालापन भी निकल जाता है। अब हम जानेंगे कि वो कैसे बनाते हैं इतनी मज़ेदार रेसिपी। गैस पे कुकर चढ़ाएंगे, मतलब कैसे बनाएंगे? इसको पहले इसमें तेल डालेंगे। तेल कितना डालेंगे? 1 किलो, 1.5 किलो मटन में? 1.5 किलो में 1.5 पाव तेल डालेंगे। अच्छा, 1 किलो में 1 पाव डालेंगे। चम्मच से भी नाप के डाल सकते हैं, 4-5 चम्मच। जब ये तेल अच्छा हो जाएगा तो इसमें से धुआं सा निकलने लगेगा, तब इसमें गरम मसाला डालेंगे। नमक और लहसुन के पानी से तेल को फाड़ा जा रहा है। मटन पाए है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और जो तेल में कड़वापन रहता है वो सारा कड़वापन निकल जाएगा, और जो फैंसी आते हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तेल हो गया है, अब इसको फाड़ेंगे। तो इसमें जी डाल बस, अब फट गया है तेल, ये सारे फैन हट जाएंगे। अच्छा पीला देखना रहेगा, इसकी 1 नकली दालचीनी की, 2 तेज़पत्ती, 2-3 छोटी इलायची, 1 फूल, 2-4 काली मिर्च और काली वो लौंग और ये जा सकती है, ये बड़ी इलायची। इस आधी प्याज के इसमें सब की जान में डालेंगे, और हल्का सा पानी, अब इसको थोड़ा बारीक सा पीसेंगे। देखो जी पिस गया है, इतना बारीक पीस के और इसी में पिसा गरम मसाला। ये बाजार का पिसा गरम मसाला या नहीं, घर का पिसा गरम मसाला? क्या क्या पीसते गरम मसाले में? गरम मसाले में 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्ची और जायपत्ती और दालचीनी की लकड़ी और बड़ी इलायची, इसको छोटी इलायची 3, बस इतना पीस के इसमें लाल प्याज। अब इसमें हल्दी डाल देंगे और अच्छी हल्दी भुन जाएगी। अब इसमें ये पाए छोड़ लेंगे, ये
ये लहसुन अदरक के साथ साथ है जिसमें इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे जितना ठीक है तेज खाएंगे उतना नमक। अभी थोड़ी देर तल जाएगा फिर इसमें किसी प्याज और भी गर्म मसाला डाल देंगे। अभी लहसुन अदरक तल गया अब इसमें प्याज छोड़ेंगे। इसी प्याज के साथ लाल मिर्ची डाल देंगे, एक चम्मच मिर्ची डालेंगे और फिर जितनी तेज खाते हो तो ज्यादा डाल सकते हो, फीकी खाते हो तो कम डाल सकते हो। दस मिनट हो गए इसको भूनते भूनते, अब इसमें धनिया डालेंगे, धनिया डाल के फिर भूनेंगे। पूरी रेसिपी बनने में 40-45 मिनट लगेंगे। दो चम्मच धनिया डाल देंगे, अभी और कितने मिनट भूनेंगे इसको? अब समझे इतना भूनेंगे कि ये धनिया भून जाए, अच्छी खुशबू आने लगे धनिया में, मसाले की खुशबू अलग आने लगे। 10-12 मिनट और भूनेंगे। 10-12 मिनट और भूनेंगे। ऐसे सारा तेल ऊपर आ गया, देखो सारा तेल ऊपर आ गया, भूंज गया। हाँ, भूंजने के बाद तेल छोड़ देता सब, जितना तेल है सब छोड़ देगा जो सब जा जाएंगे। अब गैस का जो फ्लेम है वो तेज कर देंगे। तेज है ना, वो तेज रहेगा, अभी 2-3 सीटी आ जाएंगी फिर उसको मध्य पे रख देंगे। दस गैस निकल जाएगी और इसमें ऊपर से मीट मसाला और धनिया की पत्ती तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा मीट मसाला डालेंगे ऊपर से। तंदूरी रोटी या सादा रोटी के साथ। तो देखा दोस्तों आपने आज की हमारी रेसिपी, आज की रेसिपी थी मटन पाए। तो आंटी ने कितने अच्छे से बताया कि इसको कैसे बनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।